सभी पलामू वासियों को उपायुक्त पलामू डॉक्टर शांतनु अंगारी का सादर नमस्कार। आप सभी को यह सूचित करना अत्यंत आवश्यक है कि दिनांक 11 सितंबर 2019 से दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं जागरूक बनाना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोगों के आम दिनचर्या में कितना खतरनाक होता जा रहा है। साथ ही साथ प्लास्टिक अवशिष्ट के संग्रहण संबंधित भी जानकारियां लोगों को प्रदत्त कराई जाएंगी। उक्त संपूर्ण कार्यक्रम में 11 सितंबर 2019 से 2 अक्टूबर तक सभी जगहों पर जन जागरूकता की रैलियाँ की जाएंगी, जन जागरूकता संबंधित गोष्ठियाँ की जाएंगी, सेमिनार किए जाएंगे तथा लोगों को प्लास्टिक अवशिष्ट के संग्रहण संबंधित जन जागरूकता किया जाएगा, जिसमें लोगों के द्वारा ऐसे अवशिष्टों का संग्रहण किया जाएगा और 2 अक्टूबर के पश्चात इन सभी संग्रहित किए गए अवशिष्टों को उनके प्रखंड स्तर पर या नगर के क्षेत्रों में जो संग्रहण केंद्र हैं उन तक उनको पहुँचाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सभी लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के हानियों से आपको अवगत कराया जाए। आप सभी को पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के तौर पर उपयोग होने वाले प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक के प्लेट, चम्मच एक्सेट्रा, हर वो चीज़ जिसका उपयोग हम केवल एक बार करने के बाद उसको वेस्ट के तौर पर डिस्कार्ड कर देते हैं, वो पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। ना केवल ये जीव जंतुओं में एवं प्राणियों में बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा अपनी हानिकारक रिजल्ट को परिलक्षित करता है, बल्कि ये जल स्रोतों को भी अवरोधित करके उनके जल स्रोतों के द्वारा जल के बहाव को भी अवरोधित कर देता है एवं जलीय जीव जंतुओं के लिए भी अत्यंत हानिकारक है, जिससे कि हमारे पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र में एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह आप कपड़े के झोले का प्रयोग करें, जूट के थैले का प्रयोग करें, बाजार में जब भी सब्जी खरीदने जाएं, बाजार में कोई सामान खरीदने जाएं, घर से अपना थैला स्वयं लेके जाएं, या उन चीज़ों का प्रयोग करें जिनका मल्टीपल यूज हो सकता है। इससे फायदा ये होगा कि हम न केवल हमारे आपस के आसपास के क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट के जो संग्रहण होता है उसकी मात्रा भी कम होगी, वेस्ट का जनरेशन भी कम होगा और पर्यावरण में स्टैब्लिशमेंट भी आएगा, पर्यावरण भी हम लोग का स्थिर होगा एवं पर्यावरण में जीव जंतुओं के ऊपर जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उससे भी हम लोग बच सकेंगे। आप सभी लोग से पुनः अनुरोध है कि 11 सितंबर 2019 से 2 अक्टूबर तक 2019 तक होने वाले स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, जागरूक बने एवं और लोगों को भी जागरूक बनाते हुए प्लास्टिक से होने वाली सब हानियों के बारे में प्रचार प्रसार करें एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्णतया अपनी ओर से समाज की ओर से पैन अधिघोषित करें, जिससे लोगों के मन में सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्कार्ड करने की भावना बलवत हो और सरकार द्वारा चलाई जा रही इस जन जागरूकता अभियान में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।